दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पे आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी और आप देख रहे हैं दोस्तों लूप टेक्नो सिस्टम न्यू दिल्ली इंडिया। तो दोस्तों जो है आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ गोल्ड रेसर जो कि माइक्रो कंपनी का है, नोक्टा माइक्रो कंपनी, मेड इन टर्की का दोस्तों। और इसमें आपको जो है 2 साल की वारंटी के साथ आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर आपने जो है अनबॉक्सिंग का वीडियोस नहीं देखा है गोल्ड रेसर प्रो का कि क्या क्या चीज इसमें मिलता है दोस्तों, तो जो है आप हमारे जो है चैनल पर जाकर के वीडियोस को आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूँ दोस्तों कि जो है अगर आप जो है फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो गोल्ड रेसर कैसे आपको चलाना है, हाउ टू यूज, कैसे आपको यूज करना है, ठीक है दोस्तों। और कैसे जो है अलग अलग मेटल को हम ट्यून वाइज पता कर सकते हैं और कैसे सिग्नल देता है, और हर एक मेटल का अपना एक आईडी होता है तो हम उससे कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई कौन से आईडी में कौन सा मेटल आता है, ठीक है। तो पूरी जानकारी दोस्तों जो है आप यूजर मैनुअल से आप रीड कर सकते हैं, बाकी का जो है मैं आपको तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। और हाँ दोस्तों, ये जो है 56 किलोहर्ट्ज की मशीन है। अगर आपको जो है नेचुरल गोल्ड या छोटे छोटे नगेट हंटिंग अगर आपको करना है या क्वाइन हंटिंग करनी है या ट्रेजर हंटिंग करनी है तो सबके लिए ये मशीन सूटेबल है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा हाई जो है किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की मशीन है, ठीक है दोस्तों। तो इससे छोटे से छोटा नगेट्स भी जो है अगर आपको सर्च करना ना तो इससे बच के नहीं जा पाएगा, ये उसे जो है सर्च कर लेगा छोटी से लेकर के बड़ी चीजों तक के लिए। जो है ये मशीन बहुत पावरफुल मशीन है दोस्तों, 56 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और मैंने जो है इस फंक्शन के बारे में पिछले अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में बता रखा हूं, तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पूरा मैंने जो है इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताया हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, रॉक, फेरस, गोल्ड, नॉन फेरस, ठीक है, 0 से लेकर के 99 तक ऑल मेटल का ये साइड फंक्शन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिस्क्रिमिनेशन मोड है, मतलब 2 मोड है, डिस्क्रिमिनेशन मोड 1 और डिस्क्रिमिनेशन मोड 2। तो मतलब कि इसमें डिस्क्रिमिनेट करने का 2 फंक्शन है, आप 2 तरीके से जो है आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि मेटल कौन सा है, कौन सा हो सकता है, गोल्ड है या सिल्वर है या क्या चीज है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह जो भी मेटल होते हैं जमीन के अंदर, सब के लिए जो है दोस्तों ये मशीन बहुत परफेक्ट है, ठीक है। और ये दोस्तों 10.5 इंची की क्वाइल है, 10.5 इंची और ये है 5 इंची की, ठीक है दोस्तों। स्पेशली जो है नगेट हंटिंग और क्वाइन हंटिंग के लिए कोई भी मशीन हो, कितनी भी महंगी मशीन हो, कितनी भी सस्ती मशीन हो, हर मशीन में दोस्तों क्वाइल का मेन रोल होता है। अगर जो है क्वाइल बड़ा है तभी आपको ज्यादा डेप्थ मिलेगा, ठीक है। ये आप जो है आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं से भी आप मशीन परचेज करिए, चाहे मेरे यहाँ से या कहीं से भी, क्वाइल का साइज जरूर पूछिए। अगर क्वाइल का साइज जो है बड़ा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा गहराई देगा, जैसे कि मैं 5 इंची की बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 इंची का जो मैक्सिमम लिमिट होता है बहुत ज्यादा ज्यादा दोस्तों 2 फीट, ठीक है, 2 फीट से ज्यादा सर्च नहीं करेगा, चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा मेटल रख दीजिए। और ये 10.5 इंची की है, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम लास्ट लिमिट है 4 फीट या 5 फीट, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो 11 इंच की जो बोलते हैं डबल डी प्लेट है, 6-7 फीट तक आपको जो है डेप्थ मिल जाएगी, वो टोटली आपसे झूठ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम जो है 11 इंच की डबल डी प्लेट में 5 फीट मैक्सिमम, मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम 5 फीट से ज्यादा सर्च नहीं करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 5 फीट तक ही सर्च करना हो तभी जो है आप चाहे जितनी महंगी मशीन हो या चाहे जिस कंपनी की मशीन हो, ठीक है, तो आप क्वाइल जरूर पूछिएगा दोस्तों कि क्वाइल सर कितने इंच की है। मशीन चाहे
नोक्टा माइक्रो कंपनी का हो, चाहे वाइड्स का हो, चाहे फिशर का हो, चाहे टेक्नेटिक ब्रांड का हो, या किसी भी ब्रांड का हो जो आप जानते हो, ठीक है। सभी में दोस्तों क्वाइल इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्वाइल बड़ा है तो आपको ज़्यादा डेप्थ मिलेगा। ये तो रहा दोस्तों क्वाइल के बारे में, ठीक है। जिस मशीन में किलोहर्ट्स जो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों कम होती है, वो ज़्यादा गहराई तक के लिए होती है और वो बड़ी वस्तुओं के लिए होती है, ना कि आपको नगेट हंटिंग उससे करनी है। अगर आपको 6-7 किलोहर्ट्ज़ की या 8-10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ले की मशीनें अगर आपको यूज करना है दोस्तों, तो जो है ना वो बड़े सामान के लिए होती है, बड़ी वस्तुओं के लिए होती है, ना कि छोटे छोटे नगेट हंटिंग के लिए होती है। अगर आपको छोटे छोटे नगेट हंटिंग करनी है तो उसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी की मशीनें होती हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आपको यूज करना है, कैसे अलग अलग मेटल को बताता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ तो दोस्तों अब जो है मैं मशीन को ऑन करता हूँ, ठीक है। मशीन को दोस्तों जो है मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि तो मैं रूम के अंदर हूँ, एक कमरे के अंदर हूँ। यहाँ पर लाइट, पंखे वगैरह और बिजली के वायर वगैरह भी हैं, और ऑलरेडी जो है चारों तरफ मेटल्स है, इसलिए जो है ज़्यादा आवाज़ कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आल मेटल पे क्या है, आल मेटल का जो है फंक्शन होता है चाहे जो भी मेटल हो सभी को कैच करेगा, लेकिन ट्यून वाइज जो है नहीं आपको बताएगा। जैसे कि हमारे पास ये देखिए, ये 5 रुपये का सिक्का होता है, पीतल का होता है, ठीक है, और ये गोल्ड रिंग है। अगर इतना बड़ा अगर कोई गोल्ड रिंग होगा तो 1 फीट से ज़्यादा नहीं कैच करेगा, ठीक है। इसका ट्यून देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। सिग्नल यहाँ पर देखेंगे 0 से लेकर 99 तक, ये जो कर्सर जो एरो चल रहा है ना, वो हमारा जो है टारगेट आईडी होती है, नंबर भी लिखा आता है और यहाँ पर भी आता है। जब आप ये मशीन खरीदेंगे ना तो यूजर मैनुअल में सारा सब कुछ लिखा होता है कि कौन से मेटल का क्या आईडी होता है, कितने से कितना होता है नंबर। ये गोल्ड का होता है, ये सिक्का है 5 रुपये का, देख रहे हैं। सिग्नल देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सिग्नल पे। अब इस साइड देखिए दोस्तों, ये आयरन है, ठीक है। ये फेरस लिखा हुआ है ना, फेरस, फेरस पे जाकर के एरो यहाँ रुक जाता है। अब इस साइड देखिए नॉन फेरस लिखा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नॉन फेरस लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो एरो जो है नॉन फेरस पे चला जाएगा। अब जैसे ये जो है दोस्तों, ये मेरी घड़ी है, ठीक है, प्योर स्टील है, कोई चमकदार धातु होगा, स्टील होगा दोस्तों, तो वो कभी कभी जो है ना गोल्ड का सिग्नल देती है, कभी कभी क्या जो है हर मशीन में देती है। ये आल मेटल का फंक्शन था, सेंसिटिविटी का फंक्शन होता है दोस्तों। सेंसिटिविटी आप जितना चाहें, आप 99 तक जो है चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या होता है, आपको ज़्यादा डेप्थ मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि दोस्तों मैं अगर जो है सेंसिटिविटी बढ़ा लूँगा ना तो मशीन बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो जाती है और आवाज़ ज़्यादा करने लगती है, तो जो है मैं सेंसिटिविटी कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना होता, माइनस प्लस जो है ये ऊपर नीचे का बटन होता है, ये माइनस प्लस का बटन होता है, तो जो है माइनस का बटन दबा दीजिए, ये देखिए रीडिंग कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो है सेंसिटिविटी आप कम पे रख रहे हैं तो ज़्यादा गहराई तक सर्च नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो मैं आपको सीधे आपको बता रहा हूँ थ्रेश होल्ड का। अब थ्रेश होल्ड दोस्तों देख रहे हैं 26 पे है ना, मैं इसे जो है ये बैकग्राउंड वॉइस है, इस पर जो है देखिए साउंड कर रहा है ना मशीन, लेकिन जो मेटल आएगा ना उसका साउंड जो है अलग ही आएगा, ठीक है, है ना। अगर मैं जो है थ्रेशहोल्ड को कम कर देता हूँ, देखिए 0-0 करता हूँ, ठीक है, जो आवाज कर रहा था बैकग्राउंड में वो जो है बंद हो गया ना, देखा। अब सिर्फ जहां पर मेटल होगा सिर्फ वहीं पर जो है आवाज़ करेगा। जैसे अगर कोई मेटल ज़्यादा गहराई में है, आवाज़ जो है ना
नहीं आ रही है, आवाज बहुत स्लो आ रही है, तो थ्रेशोल्ड को आपको जो है बढ़ाना होगा, उससे साउंड आएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ मेटल लगाऊंगा तभी साउंड देगा। अब जो है मैं चाहूँ तो सेंसिटिविटी जो है बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सेंसिटिविटी देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, 50 कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड को मैंने 0 कर रखा है। ISAT, अब ISAT का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट सेल्फ एडजस्टिंग थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब ISAT दोस्तों ये ऑलरेडी सेल्फ अपने आप से खुद से ही कर लेता है थ्रेशोल्ड सेटिंग। रीडिंग देखेंगे गोल्ड का है, ठीक है, ये पीतल है। ठीक है, अभी मैं ऑल मेटल का फंक्शन आपको दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग को जो है 0-0 ऑलरेडी है। इसको देखिए अभी किसी क्षण का आवाज आ रहा है, ट्रैकिंग आईडी भी जो है दोस्तों मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो है मैं अगर इसे सॉरी एक ही है 0 या 0 कर 0-0 कर सकते हैं, 0-1 कर सकते हैं। ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, बैक लाइट है, माइनस प्लस करूंगा तो बैक लाइट होता है। ठीक है, ये डिस्प्ले जो लाइट होती है वो होता है, और जो फ्रंट लाइट होती है, जो लाइट होती है टॉर्च जिसे बोलते हैं, क्या करना होगा, जो ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर को ऊपर दबाइए और बटन दबा दीजिए, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, ये लाइट जल जाती है पीछे, जैसे आप रात में कहीं जा रहे हैं तो टॉर्च की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, वो इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी मशीन में अटैच है, तो आपको जो है बंद करना है टॉर्च, तो सीधा जो है इसे को कर दीजिए। ठीक है, ऑफ हो जाएगा टॉर्च, ये हो गया बैक लाइट का फंक्शन। मैंने बताया FD सेव, आप जो है टारगेट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट आईडी जो भी आपको सेव करना हो आप सेव कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी दोस्तों आप यूजर मैनुअल में जब आप खरीदेंगे मशीन को ना, तब आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब फंक्शन होते हैं इसमें। अब दोस्तों जो है ऑल मेटल का फंक्शन मैंने बताया, अब जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन मोड का फंक्शन बताता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मोड पर हम आ गए, सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है दोस्तों, मैं सेंसिटिविटी क्या करूँगा कम करूँगा, सेम जैसे इसमें सेंसिटिविटी कम किया था सेम वही सब कुछ है। ठीक है, सेंसिटिविटी का सेम टू सेम होता है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन मोड 1 पे है, साउंड में कुछ चेंजिंग हुआ दोस्तों? ठीक है, साउंड चेंज हो गया ना, इसका साउंड देखिए। ठीक है, और गोल्ड का साउंड देखिए। ठीक है, और जो है आयरन का साउंड देखिए, आयरन का साउंड था और इस साइड पीतल लगा हुआ है ना। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा साउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, आईडी फिल्टर, टारगेट आईडी जो भी रहेगा उसे फिल्टर कर सकते हैं कि आपको जो है कौन सा सर्च करना है, कितने तक नहीं सर्च करना। जैसे कि मैं आईडी फिल्टर करता हूँ, ठीक है, टारगेट आईडी जैसे कि जो है 25 तक या 30 तक जो है जो भी नंबर आएगा वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे जो है आयरन का देखिए, आयरन को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो हर मेटल को जो है फिल्टर कर सकते हैं जहां तक जो नंबर नहीं चाहिए। अब जैसे नॉन फेरस रहेगा उसे सर्च करेगा, लेकिन जो फेरस आइटम रहेगा लोहा वगैरह उसे सर्च नहीं करेगा। ठीक है, नॉन फेरस है जो भी मेटल होगा सबको बताएगा। ठीक है, तो इससे जो है हम आईडी जो है फिल्टर कर सकते हैं। आई मास्क, इंटेलिजेंट मास्किंग, आई मास्क का मतलब होता है। और आयरन का देखिए, आयरन ऑलरेडी ऑफ है। टोन ब्रेक, अब अगर आपको टोन ब्रेक करना है, ठीक है, जैसे ये
पीतल, ये गोल्ड। अभी क्या दिखा रहा है, टोन ब्रेक। अगर जो है मैं इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है, किच किच की आवाज आती है, ठीक है, लोहा है ना, आयरन ऑलरेडी ऑफ है। अगर मैं जो है इसे टोन ब्रेक जीरो कर देता हूँ, ठीक है, दोस्तों जीरो कर दिया मैंने, एकदम परफेक्ट साउंड आएगा, फालतू को साउंड करेगा ही। बैक लाइट का फंक्शन वही सेम इसमें भी है, ठीक है, एफ डी सेव वगैरह सब कुछ है। अब जो है दोस्तों, ये जैसे आईडी फिल्टर मैंने कर रखा था ना, 30 कर रखता है, अगर मैं सपोज दैट अगर जीरो कर देता हूँ, ठीक है, देखिए मशीन हल्का हल्का किचकियाने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गया ना। अब देखेंगे दोस्तों तो लोहा भी सेट करेगा, ठीक है। अब अगर जो है मैं इसको आई मास्क को जो है जीरो करता हूँ, ठीक है, जीरो वन करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, टोन ब्रेक है। अब मैं अगर जो है टोन ब्रेक को जो है अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब देखेंगे आप खुद भी जो है आप देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। टोन ब्रेक देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टोन कैसे चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आयरन का। तो ये होता है टोन ब्रेक का फंक्शन होता है, बाकी तो बैक लाइट एफ डी सेव वगैरह सब सेम ही है। ये था डिस्क्रिमिनेशन मोड वन। अब डिस्क्रिमिनेशन मोड टू फंक्शन में हम आ जाते हैं, सेंसिटिविटी दोस्तों वही सेम ही है, ठीक है, सेंसिटिविटी मैं कम कर देता हूँ क्योंकि तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही मशीन, ठीक है। आई डी फिल्टर वही है, अगर मैं आई डी फिल्टर को जो है जीरो जीरो कर देता हूँ तो आयरन सर्च करेगा, लेकिन उसका साउंड अलग आएगा, ठीक है। गोल्ड को भी लगाता हूँ, अगर मैं जो है आई डी फिल्टर को इसमें भी जो है बढ़ा देता हूँ तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। देखिए जब ट्यून आ रहा था ना, बंद होने लगा ना, बिल्कुल बंद हो गया ना ट्यून, खिचकिचाने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, ठीक, आयरन नहीं सर्च कर रहा, लेकिन नॉन फेरस कैच कर रहा है। बाकी का सारा फंक्शन टोन ब्रेक बैक लाइट वगैरह सब कुछ सेम ही है ना दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों डिस्प्ले पर लिखा हुआ रॉक, रॉक अगर रहेगा, रॉक एरिया में रहेंगे तो रॉक पे चलेगा, एरो फेरस लोहा वगैरह रहेगा तो फेरस पे चलेगा, ठीक है। 40 से लेकर के 70 तक अगर इसके बीच के कोई सिग्नल होगा गोल्ड सिल्वर होता है, 70 से लेकर के 99 तक कोई सिग्नल होता है, देखिए दोस्तों नॉन फेरस तांबा पीतल हो गया, ठीक है दोस्तों, वो हो गया, सिल्वर भी चला जाता है, गोल्ड भी चला जाता है, क्योंकि हर चीज़ प्योर नहीं होती है। तो हमारा जो टारगेट है ना 40 से ऊपर का, 40 से ऊपर का जो है नॉन फेरस है, 40 से नीचे का जो है रॉक हो गया, फॉइल वगैरह हो गया, जो कूड़े कचड़े पड़े होते हैं वो सब हो जाते हैं, ठीक है, और आयरन हो जाता है। और दोस्तों मैं जो है मशीन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर दिया यहाँ से। जैसे अगर आप रात में यूज कर रहे हैं तो हेडफोन जैक है, ठीक, हेडफोन आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो है हमारे सभी नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको आशा करता हूँ कि काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो अगर आपको जो है कोई भी मशीन खरीदना हो दोस्तों, तो मेरा नंबर जो है आपके स्क्रीन पर शो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम संजय पाशी है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ नया लेकर के आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।